अंकित गुप्ता की वन लाइनर्स कितने ज्यादा फनी होते हैं ये तो हमने देखा है। अंकित गुप्ता कम बोलता है लेकिन बम बोलता है, और ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिग बॉस के फिनाले में भी कुछ यही देखने को मिला। जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि बिग बॉस के फिनाले में इस वक्त जो है हमें टीवी पे जो दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि अंकित गुप्ता जो है वो आ रखे हैं, मान्या आ रखी हैं, गौरी आ रखी हैं, और तमाम पुराने जो जितने भी कंटेंडर्स थे वो आ रखे हैं, एक्सेप्ट कौन, टीना दत्ता। तो ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो यहां पर भारती और कृष्णा दोनों ही मिलकर म्यूजिकल चेयर राउंड खेलते हैं, म्यूजिकल चेयर राउंड खेलते हैं, अर्चना जीतती हैं, और उसके बाद एक और नया एक अमेजिंग यू नो एक खेला जा रहा है गेम, जो कि है नन अदर देन यहां पर प्रियंका वर्सेस शिव। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो फिनाले पे प्रियंका वर्सेस शिव होगा, ऐसी पूरी अंदर चांसेस आ रही हैं, मैं मेरी टीम पहुंची हुई है सेट पे और सारी खबरें आ रही हैं। और ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं एक और इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि शिव और प्रियंका के बीच में एक ऐसा कॉम्पिटिशन हुआ जिसमें ऑफकोर्स प्रियंका जीत गई, जो कि ऑफकोर्स नॉन मंडली मेंबर हैं और जो कि मंडली का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, और ऐसे में शिव को पनिशमेंट के तौर पे एक बिस्किट दिया गया। जी हाँ दोस्तों, एक बिस्किट, अभी कृष्णा कहते हैं कि वो उसके अंदर फोम भरा हुआ है जिससे आप जो है शेव करते हो, लेकिन भारती कहती है नहीं, फोम से ज्यादा बढ़कर कुछ चीज है और वो पता चल जाएगा, और इस तरीके की बातें बोलते हैं। ऐसे में शिव उस बिस्किट को सामने अपनी मंडली को पूछता है कोई खाना चाहेगा, जिसमें अंकित का तुरंत रिप्लाई आता है, भाई ये भी तू इनके साथ करेगा, कुछ तो काम अकेला कर ले। तो दोस्तों शिव ठाकरे की इससे बुरी कह सकते हैं अंकित ने जो है इंसल्ट नहीं करी होगी ऐसा लगता है, जहां पे ऐसा पता नहीं क्यों एक पूरा जो सिनेरियो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि हर एक के मन में कुछ ना कुछ बातें हैं। जैसे निमृत बोलते हुए नजर आई थी, वैसे ही अंकित भी आज बॉम्ब बोलते हुए नजर आया है। प्रियंका के सपोर्ट में अंकित ने जो जो बातें बोली हैं उनको सुनकर ही हम हैरान हो जाते हैं। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों कि अंकित और नई नई क्या क्या चीजें करता है। बट लेकिन हाँ, अंकित ने कहीं ना कहीं शिव की इतनी बुरी कह सकते हैं कि बेइज्जती कर दी, जिसे देखकर हम लोग हैरान हो गए। हमने कहा यार ये क्या है, फिनाले से पहले कम से कम टॉप टू में जो बंदा आ रहा है उसकी रिस्पेक्ट तो करो अंकित भाई, राइट, जो यू नो कह सकते हैं फर्स्ट रनर अप बन रहे हैं, तो कम से कम उनकी आप वो तो करो, रिस्पेक्ट तो करो। खैर जोक्स अपार्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या कहते हैं अंदर का क्या सिनेरियो होता है, अब विनर होते हैं वो या फिर फर्स्ट रनर अप, ये तो भाई थोड़ी सी देर में पता चल ही जाएगा। आपको क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताएं, बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना।